नमस्कार बंधुओं। दूसरा सिम्टम या साइन आज जो हम करेंगे आपसे डिस्कस वो है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है इरोनियस सेंस इंटरप्रिटेशन। देखिए, पहले जो मैंने बताया हेलुसिनेशन में वो परसेप्शन था, आपका परसेप्शन गड़बड़ हो गया, इंद्रियों का इंद्रियां परसीव करती हैं तो वो परसेप्शन जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ इंद्रियों का सेंस इंटरप्रिटेशन, आप कोई भी चीज बाहर देख रहे हैं तो पहले आप उसको देख, आपको दिखाई देती है वो इमेज, दिखाई देती है आपके दिमाग में बनती है, फिर उसको इंटरप्रेट करती है कि है क्या। जैसे आप रात को मान लीजिए जा रहे हैं, अंधेरे में कहीं आपको एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है जिसकी बड़ी विचित्र सी शेप है, आपको विचित्र सी शेप दिखाई देती है तो आपको थोड़ी विचित्रता लगती है, पर आप सोचते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक सूखा हुआ पेड़ है। आपको यह वहम हुआ था वो कुछ और खड़ा है या कोई आदमी खड़ा है या कुछ और खड़ा है, ऐसा अक्सर हम लोगों को होता है। हमारे उपनिषद में एक बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल दिया जाता है सर्प और रज्जू का, और खास करके माया के संदर्भ में तो बहुत बार दिया जाता है कि ये जो माया तुम देख रहे हो वो सर्प रज्जू इफेक्ट है। जैसे अंधेरे में आपको सर्प जो है, जो रज्जू मीन्स ये जो रस्सी है वो पड़ी हो और अंधेरा हो तो आपको सांप की तरह दिखाई देती है, उसी तरह ये दुनिया है। और जब आप इसको क्लोज इंस्पेक्शन करते हो, उसके नज़दीक जाके देखते हो, किसी लकड़ी से ला के देखा या तब तक तो उतनी रोशनी में आप देख पाते हैं तो आप पाते हो नहीं 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 ये स्नेक नहीं है, सर्प नहीं है, ये रज्जू है, ये रस्सी है। ये दुनिया की माया को एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत सी बातें एक्सप्लेन करने के लिए वो कि ये दुनिया सब हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। बहुत कॉमन फेमस एग्जाम्पल है हमारे उपनिषद्स में। लेकिन एक जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है वो इंटरप्रेट करेगा रोंगली, बट आपको किसी आर्गुमेंट, तो वो खुद किसी आर्गुमेंट से उसको करेक्ट कर सकता है, मींस उसका इंटरप्रिटेशन गलत आता है, स्टिमुलस है। फर्क इतना ही हेलुसिनेशन रिलीजन में कि वहां कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, बिना स्टिमुलस के हो सकता है, पर यहां पे एक स्टिमुलस की जरूरत है, कुछ ना कुछ है जिसको वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है। रस्सी है, उसको सांप समझ रहा है, आप उसको हजार समझा लो कि नहीं नहीं देखो तो रस्सी है यार, मैंने हाथ में ले लिया, उसको सांप ही, उसके विश्वास में, उसके इंटरप्रिटेशन में सांप ही दिखेगा। तुम कहोगे तो ठूंठ है खाली पेड़ का, वो तो उसमें भूत ही देखेगा कि नहीं 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 ये तो भूख है, भूत है, राक्षस है, इसके हाथ इतने बड़े हैं, दांत इतने बड़े हैं, क्योंकि ये मिस इंटरप्रिटेशन उसका बिकॉज ऑफ इस मेंटल कंडीशन है। अक्सर ये ज़्यादातर जिसको ऑर्गेनिक लीजन्स होते हैं, ब्रेन में कोई लीजन होता है, कोई ट्यूमर हो या कोई इन्फेक्शन हो या कुछ ऐसा हो, तो उसमें ज़्यादा कॉमन होता है ये, पर होता है, और थोड़ा बहुत तो हर आदमी को होता है। हम सबको कभी कभी वह होता है, रस्सी पड़ी है या कोई डंडा पड़ा है या कुछ और पड़ा है, तो उसको हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, बट बाई क्लोज एग्जामिनेशन वी गेट इट करेक्टेड। सो इट्स नो मोर डिल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन वो है जो परसिस्ट करेगा, वो किसी भी अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट से, क्लोज इंस्पेक्शन से, आपके एक्सप्लेनेशन से, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से, उसको तो वही दिखेगा वो। और ये इल्यूजन इतना सीवियर हो जाता है, बहुत सीवियर होता है कि बहुत ही डेंजरस फॉर्म धारण कर लेता है। जैसे हम बताएं आपको, इंग्लैंड से एक रिपोर्टेड केस है, बहुत पुराना होगा मेरे ख्याल में 20th century के शुरू का होगा। अब एक आदमी अपने घर में अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है,
एक लाठी लेके उसको उतना पीटता है, इतना पीटता है, वो मर जाती है और मरने के बाद भी उसको पीटता रहता है। अब जब उसको पूछा जाता है कि भाई तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, उसने कहा मैंने अपनी वाइफ को कभी नहीं मारा, मैं तो अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो ये एक जार टाइप की चीज मेरे में रास्ते में आकर के मेरे को बाहर निकलने नहीं दे रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने एक लाठी पड़ी थी उससे लेके इसको तोड़ दिया, तोड़ ही नहीं दिया, इसका कचरा बना दिया। अब उसमें उसकी वाइफ उसको एक ये जार दिखाई दे रही थी, इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण वो उसको जार दिखाई दे रही है, तो वो तो अपने रास्ते से जार हटा रहा है, क्यों कि वो उसको इंटरप्रेट ही एज़ जार कर रहा है, या किसी को कोई कोई किसी को कोई ऑब्स्टेकल या कोई चेयर या कुछ ऐसा उसको लगता है, जबकि वाइफ वो उसका कोई शुभचिंतक हो, है ना, कोई इसको एनिमल के रूप में भी देख सकता है, क्योंकि उसका टोटल इंटरप्रिटेशन डीअरेंज्ड हो गया है, है कुछ उसका जो ब्रेन है अपने एबनॉर्मलिटी के कारण उसको इंटरप्रेट कुछ और रूप में कर रहा है। बहुत बार बहुत कहानियां मिलेंगे आपको अगर आप लिटरेचर देखोगे, जहां पे लोगों ने अपने इल्यूजन के कारण अपनी वाइफ को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, गली में चलते हुए आदमी को मार दिया, तो अपनी तरफ से उन्होंने उसको नहीं मारा है, वो जो उनको परसीव कर रहे थे उस चीज ऑब्स्टेकल को जो उनके आगे आ रहा था उसको हटाया है, तब भी तो उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया ना क्राइम के लिए, कि वो चीज उस चीज को समझ ही नहीं रहे। तो फिर उनको आप रिस्पॉन्सिबल कैसे मानेंगे? तो इस तरह से ये इंपल्स हुई, सॉरी मेरे को इस तरह से ये इल्यूजन हुआ, और इस इल्यूजन को हम यहीं पे बंद करते हैं विद दैट ओनली एक बात कह करके कि ये कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकता है, और इसलिए इसको बहुत जरूरत है अच्छी तरह से समझने की।